तो हे गाइस, वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। तो सभी को पहले जय श्री राम। तो आज लव मैं और मेरी जीएम राशि रावत ऋषिकेश जा रहे हैं। अभी देखते हैं क्या करने जाते हैं। तो घर वाले देखो कैसे कैसे देखते हैं। तो अभी देखते हैं, उनका आने का वेट कर रहा हूँ मैं। उन्होंने मुझे 8:30 बजे बोल दिया था। मैं वह आकर टाइम देखा, टाइम बहुत ज़्यादा हो गया, 9 बजने वाले हैं। वह अभी तक आए नहीं। तो अभी मैं नवीन भैया की दुकान पर जाऊँगा। अगर वो आएंगे तो मैं वहीं से उनके साथ चले जाऊँगा। तो अभी ब्लॉग देखते रहिए और जो नया है सब्सक्राइब करो। तो आज देखो लब्बू भी आ गया है। लब्बू और गज भैया नवीन भाई की दुकान में जा रहे हैं। गज भैया तो सब जानते हैं, आगे से काला राज आ रहा है। तो अभी देखते हैं, अभी हम राशि रावत के पास जाएंगे जो मेरी जीएफ है। अभी तक वो आई नहीं। आपको तो पता है वैसे भी लड़कियों को ना बहुत टाइम लगता था यार उन्हें ना। तो अभी रावत मेरी हाँ भाई, अभी देखते हैं राशि रावत से मिलते हैं तब गाड़ी पकड़ता है तब चल। राशि रावत चल रहे हो? राशि रावत 10 रुपये में दे रहे हो? राशि रावत आई लव यू मेरी जान। हाँ चौकी तक चल, खेले नहीं। ये राशि रावत हमारे साथ जाने का, मैं खुले करा लूँ। गाइस आपने देख लिया राशि रावत कौन है। तो आज उसने हमें धोखा दे दिया। हमने प्लान बनाया था कि तीनों जाएंगे, अब हम दोनों ही जा रहे हैं। तो आज ऐसी ऐसी जगह जाएंगे जहाँ पे राशि रावत कभी गई भी ना होगी। अभी देखते हैं, तो स्टोरी में इतना मेंशन करेंगे कि आज वो पछताएगी। तो भाई वीडियो एंड तक देखो। अभी तो छिद्रवाला में ही अभी ऋषिकेश जाना है। अभी वाली फार्म तो हमने पीछे पार कर लिया, लेकिन वहाँ से हमें ऑटो नहीं मिल रहा। तो लब्बू और मैंने पैदल जाने का ही निश्चित किया है। तो यहाँ से हम फाटक देंगे, उसके आगे तक पैदल जाएंगे। एक कारण था जिसकी वजह से हमने नेपाली फार्म से टेम्पो नहीं लिया। ये देखो जाम लग गया, लोग कहाँ कहाँ से निकल रहे हैं। और जब तक हम फाटक पहुँचते तब तक तो जाम खुलेगा भी नहीं, चलता फाटक नहीं। तो यहाँ इतना जाम देख के और इतनी वो धूल मिट्टी देख के हमने मास्क ले लिया। आई होप आपको आवाज़ आ रही होगी इतनी जितनी यहाँ पे है। अभी आपको बैक कैमरा दिखाता हूँ, इतनी ज़्यादा धूल मिट्टी है। फाइनली लगभग टेम्पो मिल गया फाटक पार से। देखो फाटक पीछे है, यहाँ से अभी टेम्पो लगभग मेरे हालत टाइट हो गई। आते आते ये मास्क गिल्ला हो गया पूरा है। अभी अभी ऋषिकेश जाना बाकी है, अभी देखते हैं आगे का ब्लॉग। और मैं आ चुके हैं मेरा ऋषिकेश पूरा। अभी हमें भरत मंदिर या पता नहीं क्या सोचना है वगैरह वगैरह। अभी देखते हैं आगे क्या होता है। लब्बू मैं IDPL में कहा उसका IDPL है। चलो अब बुक डिपो ढूंढने जा रहे हैं। भाई हम लब्बू और मैं पूरा थक से चुके हैं। ये कहाँ रही हमें भारत डिपो मिला नहीं। पूरा ऋषिकेश की गली गली ढूंढ रहे हैं हम। कहाँ पे अब अभी ये लाइन पे है, ये लोग बोल रहे हैं कि यहाँ के है भारत डिपो। और लब्बू और मैं बिल्कुल थक चुके हैं। लव को एनर्जी चाहिए, वो एनर्जी हमें गंगा स्नान के बाद ही मिलेगी। पहले हमें भारत डिपो ढूंढना पड़ेगा। तो अब जब भारत डिपो मिलता है तो फाइनली हमें भारत डिपो मिल चुका है। ये रहा लब्बू, अंदर से बुक आ रही है। और ये मेरा मास्क, अभी देखते हैं बुक का रेट कितना होता है यहाँ पे। तो उसके बाद चलते हैं गंगा स्नान। फाइनली लब्बू और मैंने अपनी बुकें ले ली है। तो मैं अगर बोलना चाहूँगा तो सही है यहाँ पे, लेकिन इतने दूर से जैसे हम आ रहे छिद्र वाले से यहाँ पे ना, तो उनके लिए बेकार है, किराया अलग लगता है और किताब भी पूरी नहीं मिलती। ये आप बिना उसकी बुक है, मेरी राशि रावत की बुक्स थी, इसे हम सेल करने आए थे। अब बिकी है नहीं, उसने इतनी अच्छी बुक कर रखी इसकी, हम इसे किसी को दान दे रहे हैं। बहुत बड़े दानी है ना। तो अभी देखते हैं, अभी अपने पाप भी धुलने हैं। अगर रास्ते में कोई हमें मिलता है तो आज हम उसे यही पकड़ा देंगे। ताऊ को पकड़ा दे पिछले ताऊ को पकड़ा दे सच्ची बोल रहा मैं। तो सारे लोग ऐसे भी होते हैं।
फेंकना नहीं, तो अभी देखो करते हैं कुछ जुगाड़ वगैरह, इसे फेंकना है हमें, भले हम विद्या को फेंक नहीं सकते लेकिन इसे कहीं ना कहीं डालना है। एक कबाड़ का कबाड़ बेचने जा रहे हो, इतने साल का टाइम है। देखो फाइनली हमने एक कबाड़ का कबाड़ बेच दिया, मेज राशि रावत का, वो एक कितना बड़ा कबाड़ है इस धरती पर। हाँ भाई, जिसने भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दो भाई, बहुत मेहनत कर रहे हैं लब्बू और मैं इस चैनल को ग्रो करने में। तो अभी पाप धुलने चलते हैं, यहाँ पर हमारे पसीना निकल गए, देखो पूरी वाइट वाली टी शर्ट गिल्ली हो गई है, बुक और दुकान ढूंढते रहते हो गए। आप गंगा स्नान करने चलते हैं, लब्बू पता नहीं कहाँ लेके आ गया हमें, लब्बू पता खाइए, ये तो मैरन ड्राइव है, यहाँ से मैं पागलों जैसे घूम रहे हैं, यहाँ पे देखते हैं बढ़िया सेक्सी लोग आते हैं, यहाँ देखो भाई चढ़ के देखो, यहाँ देख भाई चला दे नीचे घूमते हैं। आज तो गंगा स्नान भी कथा डोली बैठ रही ना वहाँ ऊपर चलते हैं बेटे। कैमरा साफ लग रहा है, पूछ ले कितने का है, सबसे छोटा है। अपने दे रहा हूँ 40 दे दो, मैं भी ले लूँ आंटी, दो ले जाते हैं ना, चलो यहाँ पे देखो कितनी भीड़ है। पिछली बार जब हम आए थे अभिनव के बर्थडे में तब यहाँ खाली था और इतना अच्छा व्यू था, आप देखो इतनी भीड़ भाड़, शायद गर्मी के कारण आ रही है, सारे लोग यहीं पड़ रहे हैं, इतना ठंडा पानी थोड़ी है, हमारा ठंडा पानी गर्म कर रहे हैं। और मनी बोलता है नहीं, चाट खाऊंगा उस समय, आंटी से चाट खिला दे यार, हम भी नहीं आएंगे ना, कोई फ़ोन ना डबा ले मेरा, बैग में ऐसी जगह रखूंगा कोई पहचान नहीं पाएगा। फिर अपने साथ लेके जा, ले देख मेरा पनीर लेके आ रहा। यहाँ तो बहुत भीड़ है, आप जब नहाते हैं तब देखो पूजा। तो मैं भी आ गया हूँ, मैं भी आऊँ क्या, रुक जा गंगा जल भर ले पहले भगवान के नाम पे, ये ले दूर से भरिए थोड़े हैं, इतना दूर भी मत जाइए, मैं अभी ब्लॉग अभी देखते हैं, लब्बू अभी बांध देखो लब्बू को, लब्बू बढ़ जल्दी, फाइनली अपन लोग नहा चुके हैं और ये पीछे गंगा माँ, तो उसके बाद अभी हम बेल खाने जा रहे हैं, बैक कैमरा दिखाते हैं, फूड व्लॉगिंग का भी काम शुरू कर रहे हैं, चलते हैं जल्दी जल्दी, चटपटा बनाना है। मिर्ची
हाँ जी मटर तो ये है हमारा टेस्ट कर रेल तो बड़ी अच्छी थी। अब देखते हैं आगे जाके क्या होता है। ये लब मर्चेंट हमारी राशि रावत तो आई नहीं हमारे साथ। ये वाला लेकिन वो पहले वाला था 20 का और ये वाला था 10 का। इन जैसे लोगों से लिया करो। इसने देखो 10 का पूरा दिया भर के और टेस्ट में देखते हैं सही है। नींबू आ रहा है। नींबू देखो इसने नींबू भी दिया और 10 में ज़्यादा दिया। तो पहले आप पूरा घूम लिया करो तो उसके बाद देख लो। तो पहले था हमारा टारगेट बुक ढूंढना, बुक की दुकान, तब था हमारा गंगा स्नान, अब हमें इसके लिए थोर का थोड़ा ढूंढना है। अब वो हम पूरे बाज़ार में पता नहीं कहाँ कहाँ ढूंढेंगे। इसने एक बार जब हम पिछली बार आए थे ना अभिनव के बर्थडे में तब देखा था, तब से हम घूमे जा रहे ढूंढ रहे हैं। अब उसको ढूंढते हैं अब इसके लिए। तब मेरे को छोले कुलचे खाने हैं तब वो खाऊंगा मैं। देखते हैं हम बाकी हनुमान जी की किताब लेंगे। हाँ एक हनुमान चालीसा की बुक देंगे तब। पहले भाई तो वो ढूंढ लें जो ढूंढने आ रखे। भी नहीं मिला अब ये पता नहीं कहाँ लेके जा रहा है आगे पे। मुझे थोड़ा आराम से चल, मैं भी स्लिप हो रहा था वहाँ पता है बार बार। अब इसके चक्कर में हमें आगे जाना पड़ेगा। हाँ ये आगे था ना। हाँ चल सर अभी देखते हैं वहाँ पर हम ये वीडियो शूट नहीं कर सकते बलि चढ़ा देगा हमारी। चलो भाई सब देखते हैं अभी मिल गया। देखो यहाँ पे और इसको थौर का थोड़ा दिलाना हमें। ये हमारा लास्ट मिशन है। यहाँ देखो थौर का कहीं नहीं है। टीवीएस का है, बैटमैन का है, ये देखो सुपरमैन का है, पबजी है, ये पता नहीं कौन सा है। इनसे पूछ ले कहीं रख रखा होगा। साउंड मार के जाना ठीक है। जाओ कोई यहाँ पे भी नहीं मिली लब्बू को। अब लब्बू ले रहा है और ढूंढे अभी ये पूरा घुमाएगा हमें उस थौर का तोड़ा के लिए। अभी देखते हैं तब का तोड़ा छोड़ दिया और इसने भक्ति पे आ चुका है और हनुमान चालीसा की किताब ले लिया है। देखो चल कहाँ जा रहा है वहाँ चल रहे। ये मुझे अब पता नहीं कहाँ लेके जा रहा है। मुझे छोले कुलचे खाने हैं मैंने कब से नहीं खाए। इतना ये मुझे कहाँ लेके जा रहा है। क्या खरीदने क्या खरीद देगा तो ये बता बस तू। थोर का थोड़ा ऊपर जा रहा। यहाँ से कहाँ लेके जाएगा मुझे। कहाँ ले रहा ये मुझे यहाँ लेके आया तो यहाँ से आप वापस लेके जा रहा है। मुझे वहाँ ले नहीं लेना इससे थौर का थोड़ा जिसे जिसके पास हो पिन कर दो इसे। ये सारा हरामी चप्पल खा ले तो चप्पल खा रहे। मुझे यहाँ छोले कुलचे खाने और ये परेशान कर रहा मुझे। चलो भूखे की मंशा इच्छा पूरी करें। ट्रैफिक बहुत है यार। चलिए इधर आ जा। फाइनली हम छोले कुलचे के पास आ गए। छोले कुलचे वहाँ कहाँ जा रहा देखना। पुलिस वाले घेर लेंगे तुझे। दुकान में चला जाना किसी के। आज से नीचे चालू बेटे। हाँ जी मेरी छोले कुलचे की भावना इसने समझी है। कहाँ बैठ के खाएंगे।
बैठ के खाया खड़े होके ऐसे नहीं खाते भाई, कहते बगल में खड़े होके कुलचे फूल दिया। अब खा के बताते हैं कैसे है। अवेलेबल पहले बता दे टेस्ट कर ले थोड़ा। तो अभी इसको खाने के बाद अभी लब्बू ने हथौड़े की चीज छोड़ दिया है और ये ले लिया है, दिखा बे जल्दी दे। तो अभी मैं गोलगप्पे खाता हूँ और तब चलते हैं और देख क्या क्या है। खुश है भाई चलो भाई अब गोलगप्पे की ओर प्रस्थान करते हैं। छोले कुलचे ज़्यादा अच्छे नहीं हो रहे थे ना भाई, नॉर्मल हो रहे थे छोले कुलचे। सच बैठे हम वहाँ भंडारे में कद्दू और वो खाते हैं। चलो आ जा जल्दी, गोलगप्पे वाला खाए। गोलगप्पे वाला आ गया है और गोलगप्पे खाते हैं अब। अभी लब्बू और मैंने वेट भी ना पाया, मेरा 50 निकला और लब्बू का 44 ही बोल। इसके बस का कुछ नहीं है, पतला सा लड़का है। अब मेरे को अभी वेट कम करना पड़ेगा बॉक्सिंग के लिए। तो अब हम घर जाने वाले हैं, देखो घर जा ही रहे हैं। अब फिर हम मिलते हैं तब छिद्र वाला में आपसे, वहाँ मिलेंगे टेम्पो में मिलते हैं आपसे। इसी केस को छोड़ते हैं। फाइनली लब्बू और मैं चौराहे पहुंच गए हैं और हमने गन्ने का जूस पिया अभी, और लब्बू ने भीख मांग मांग के थोड़ा और पिला दिया फ्री में। तो अब लब्बू घर जा रहा है ना लब्बू, चल भाई थोड़ा चल। और मैं भी अब घर जा रहा हूँ, तो ब्लॉग को एंड करते हैं अब यहाँ पे। जो भी चैनल पे नया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दो, ठीक है, बाय बाय।